श्री ब्रजभूषण शरण सिंह। माननीय स्पीकर महोदय, मैं 10 मिनट के अंदर अपना भाषण। नहीं, 5 मिनट। अब अगर 5 मिनट का हमारा, अगर 5 मिनट का है तो हमारा पूरा ले करा दीजिए। 5 मिनट में मैं अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। 5 मिनट में अगर करना है तो ये मैं पूरा ले कर दीजिए, मेरा पूरा छपवा दीजिए। नहीं, पूरा ले करा दीजिए। हम कोई नहीं, नहीं माननीय स्पीकर महोदय, मैं कोई, इफ यू वांट टू ले द होल थिंग आई विल अलो, बट देयर इज सो मेनी मेंबर्स टू स्पीक ऑन योर पार्टी, यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ, अदरवाइज द टाइम इज वेरी शॉर्ट एंड सो मेनी मेंबर्स विल लेफ्ट आउट। मैं स्वयं अपने तरफ से कोशिश करूंगा, मेरा कोई आलतू फालतू बात नहीं है। ओके ओके, शुरू कर, शुरू कर। माननीय स्पीकर महोदय, ये पक्ष कहेगा बजट अच्छा है, हम कहेंगे बजट अच्छा है, और आप कहेंगे बजट खराब है। इसका फैसला तो आने वाले समय में होगा कि किसका बजट खराब है और किसका बजट अच्छा है। जब भी कोई सरकार बजट बनाती है तो देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति देख करके अपना बजट प्रस्तुत करती है। आपको भरोसा हो ना हो, लेकिन हम लोगों को भरोसा है, इस देश की जनता को इस सरकार के बजट पर भरोसा है। माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी, हमारा सौभाग्य है कि यहां पर बैठे हैं। पिछले बजट के दौरान, भाषण के दौरान मैंने एक सवाल उठाया था कि हमारी नियत में कोई खोट नहीं है, लेकिन क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। जब यह सरकार बनी, वैसे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर केवल मैं मनरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अपनी बात रखूंगा बहुत संक्षेप में। उत्तर प्रदेश के अंदर मनरेगा के अंदर जो लूट मची हुई है वो शायद लूट कहीं पर नहीं है। कम से कम 10-15 जिले में सीबीआई जांच चल रही है। मनरेगा ही क्यों? एक मिनट, टोकिए मत, जिससे हमारा पूरा हो जाए। माननीय स्पीकर महोदय, इस बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और सरकार की इच्छा और दृढ़ इच्छा शक्ति को जब मैंने देखा, तो हमने भी कुछ पत्र व्यवहार करना शुरू किया मनरेगा के संबंध में। और इसमें भारत सरकार के मंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रमुख सचिव से लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति संबंधित विभाग का नहीं है जिसको मैंने पत्र लिखने का काम न किया हो। और सबने आदेश, मेरा सवाल था कि गोंडा जनपद में 2010 से 14 तक किन किन ब्लॉकों में क्या क्या काम कराए गए हैं, केवल मुझको इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाए। माननीय स्पीकर महोदय, मैं पूरे सदन के सामने ये पीड़ा रखना चाहता हूं कि 9 महीने के अंदर मैं प्रशासन से यह सूचना नहीं पा सका कि कहां पर कौन सा काम हुआ है। निगरानी समिति की बैठक हमने किया जो आपने बनाई है, निगरानी समिति के बैठक में तय हुआ, उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर हम सूचना दे देंगे। हमने कहा आप 15 दिन के अंदर दे दीजिए, फिर हमने कहा आप 1 महीने के अंदर दे दीजिए, और 1 महीने के अंदर भी आज तक हमको कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। और तब अंत में मैं उच्च न्यायालय की शरण में गया, और उच्च न्यायालय ने हमारे गोंडा जनपद की मनरेगा का आदेश कर दिया, जिसकी सीबीआई जांच चल रही है। लेकिन मैं इसी प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, हमारे जिले में ये पूरा हमारे पास है, ये कोई 150 करोड़ का घोटाला नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर,
ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न का घोटाला भी कई हजार करोड़ का घोटाला है, और जो बसपा के शासन काल में शुरू हुआ और अनवरत आज तक चल रहा है, सपा के शासन काल में भी चल रहा है। इस संबंध में भी मैंने अपने रामविलास पासवान जी से भी मिला, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, कोई दरवाजा, कोई घर मैंने नहीं छोड़ा, सबको। और आज तक, और अंत में मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई कि आप लोग केवल गोदाम पर बैठ करके ये देखो कि कोटेदार अनाज पा रहा है कि नहीं पा रहा है, और जिसका नतीजा ये निकला कि हमारे जो सचिव हैं, हमारा जो पीए है, हमारे दलित समाज के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पलटूराम जी, इनके सबके खिलाफ पर जो है मुकदमा लिखाने का काम किया गया। तो महोदय, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि हम लोग चुने हुए लोग हैं, हमारे देश में लोकतंत्र है, और हमारे लोकतंत्र की विशेषता यह है कि धर्म, जात, मजहब, अमीर गरीब की भावना से उठ करके इस देश के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया गया। हम लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हमारी जवाबदेही है, और इसीलिए शायद भारत के संविधान ने प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक का कार्यकाल केवल 5 साल तक के लिए किया, जिससे जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बनी रहे। लेकिन लोग हम हैं, ये चुने हुए लोग, और तंत्र वो है जो ऑफिस में बैठा है। लेकिन मैं सबकी आलोचना नहीं करता, ऐसा नहीं है कि तंत्र में सब लोग गलत हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन बहुमत गलत का है, और उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र सत्ता का कठपुतली बन गया है। तो महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने निगरानी समिति बनाए, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं दिया। ये चुने हुए लोग आपके हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं, इनसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, और ये सब बहुत दुखी है। आज मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार करने का समय आ गया है। प्रशासनिक सुधार के बारे में 67 साल के कार्यकाल में केवल 2-3 बार चर्चा हुई, अभी 2 रिपोर्ट है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज के 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक प्रकरण में उसने अपने जजमेंट में कहा है कि उत्तर प्रदेश का कोई अधिकारी काम नहीं करना चाहता है। यहां तक कि जो सीबीआई की जांच हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी जो चल रही है, इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, सीबीआई को कागजात नहीं दे रही है, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि हम लोगों का क्या हाल है। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, और ये मनरेगा अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी, मैंने पहले भी कहा कि अच्छी है, हमने उसका बजट बढ़ाया। आप कह रहे थे हम समाप्त करने वाले हैं, लेकिन हमने उसका बजट बढ़ाया, समाप्त नहीं किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहीं कहीं अच्छी भी चल रही, ऐसा नहीं है, कई प्रांतों में अच्छी भी चल रही है। लेकिन अगर मैं कहूं उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, तो एक लाइन कहना चाहता हूं इसी मनरेगा और इसके संबंध में कि आप मत पूछिए कि सफर में हम पे क्या गुजरी, आप मत पूछिए कि सफर में हम पे क्या गुजरी, था लुटेरों का जहां गांव वहां रात हुई, मैंने सोचा कि मेरे देश की हालत क्या है, एक कातिल से तभी मेरी मुलाकात हुई, और वो कातिल है उत्तर प्रदेश की सरकार। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, सारे सांसदों की तरफ से विनती करता हूं, बहुत प्रबल समर्थन दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, और सब बहुत दुखी है, विशेष करके प्रशासनिक तंत्र से। हमको दांत दीजिए, हमको नाखून दीजिए, हमको ताकत दीजिए, हम आपके लोग हैं। ये सब सारे लोग चाहे उधर बैठे हो और चाहे उधर बैठे हो, ये सारे लोग आपके हैं, केवल प्रशासनिक के भरोसा ना करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बजट का समर्थन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।